हेलो माय डियर स्टूडेंट, रोज़ आपका 10 बजे मॉर्निंग में लाइव क्लास होता है, तो जो शेयर किया करें, इस क्लास को अटेंड किया करें साथ में। ये इम्पोर्टेंट क्लास होती है तो इसको ज़रूर अटेंड किया करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पार्टी के मेन्यू के अनुसार जो व्यंजन बनने होते हैं उनके लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंधन कर लेना चाहिए। तो ये बहुत आसान सा है, पहले से बाद में भोजन करते समय कहीं से, तो इसका तो आप सभी को आंसर पता होगा, एकदम सिंपल सा है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आप सभी को पता, देखिए पार्टी के जो मेन्यू होता है तो उसका व्यंजन बनाना है तो उसका पहले ही से हमें सामग्री का क्या कर लेना चाहिए, प्रबंधन कर लेना चाहिए। तो ए सही राय आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध भारतीय शैली, भारतीय विदेशी, मिली जुली शैली, पाश्चात्य शैली व बुफे शैली निम्न में से किसकी प्रमुख शैलियां हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, विशुद्ध भारतीय शैली, भारतीय विदेशी, मिली जुली शैली, पाश्चात्य शैली और बुफे शैली निम्न में से किसकी प्रमुख शैलियां हैं? मतलब ये किसकी शैलियाँ हैं, ये सब किस में, ये बुफे शैली आती है और पाश्चात्य शैली आती है, ये किस में आती है, जल्दी से बताएं। भोजन करने की है, भोजन परोसने की है, अस्पताल प्रबंधन की है कि प्रायोगिक प्रबंधन की है? ये भी आंसर बहुत इजी है, थोड़ा सा माइंड लगाओ और इसका आंसर आप लोग कर लोगे। थोड़ा सा माइंड लगाओ, बहुत ईजी सा है, सामने ही आंसर है। तो देखिए बुफे शैली अगर, ये सब आपकी भोजन परोसने की शैलियाँ हैं ना, तो बी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य शैली की सबसे बड़ी औपचारिक दावतों में भोजन परोसने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अतिथि द्वारा, गृहिणी द्वारा, युवक द्वारा कि वेटर के द्वारा? तो आपका 3 क्वेश्चन है, आंसर दे इसका। पाश्चात्य शैली की बड़ी औपचारिक दावतों में भोजन परोसने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अतिथि के द्वारा करेंगे, गृहिणी के द्वारा करेंगे, युवक के द्वारा करेंगे कि वेटर के द्वारा करेंगे? क्या सही आंसर होगा? तो बच्चों, पाश्चात्य शैली की सबसे बड़ी औपचारिक दावतों में भोजन परोसने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वेटर के द्वारा। तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भोजन परोसने की वह शैली जिसमें फर्श पर आसन, दरी अथवा लकड़ी के पटरे पर बैठ कर भोजन किया जाता है, ये विशुद्ध भारतीय शैली है, पाश्चात्य शैली है कि बुफे शैली है, या इनमें से कोई नहीं है? क्या राइट आंसर है? भोजन परोसने की वह शैली जिसमें फर्श पर आसन, दरी अथवा लकड़ी के पटरे पर बैठ कर भोजन किया जाता है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है विशुद्ध भारतीय शैली, ए इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भोजन परोसने की वह शैली जिस पर मेज पर काटे, चम्मच, छुरी, भोजन से छुरी के प्रयोग से भोजन किया जाता है। तो भोजन परोसने की वह शैली जिसमें मेज पर काटे, चम्मच, छुरी के प्रयोग से भोजन किया जाता है, पाश्चात्य शैली है, देसी शैली, बुफे शैली कि इनमें से कोई नहीं? सभी लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर दिया करें, यानी काटा, चम्मच, चम्मच, छुरी इन सब का प्रयोग करें तो ये कौन सी शैली है आपकी? तो स्टूडेंट, ये शैली आपकी पाश्चात्य शैली है, तो इसमें जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, खाद्य लागत विश्लेषण एक रेस्टोरेंट का प्रथम कदम है। खाद्य लागत विश्लेषण जो है वो एक रेस्टोरेंट का प्रथम कदम है।
परिचालन करने हेतु, जांच करने हेतु, बजट निर्माण हेतु, खाद्य सामग्री निर्माण हेतु। तो इसका क्या राइट आंसर है? खाद्य लागत विश्लेषण एक रेस्टोरेंट का प्रथम कदम है। परिचालन हेतु, जांच करने हेतु, बजट निर्माण हेतु या खाद्य सामग्री निर्माण हेतु। तो खाद्य लागत विश्लेषण एक रेस्टोरेंट का प्रथम कदम है बजट निर्माण हेतु। सी इसका करेक्ट आंसर है, बजट निर्माण हेतु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, मासिक आय विवरण पर मुख्यतः किसे आंका जाता है? अधिकतम खाद्य लागत को, वास्तविक खाद्य लागत को, संभावित खाद्य लागत को, मानक खाद्य लागत को। इसका क्या करेक्ट आंसर है? तो देखिए, मासिक आय विवरण में मुख्यतः किसे आंका जाता है? तो वास्तविक खाद्य लागत को। तो बी इज करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है आपका, खाद्य को अनेक विधियों से बनाया जाता है। जो खाद्य है उसे अनेक विधियों से बनाया जाता है, किंतु आहार को पकाने के माध्यम के दृष्टिकोण से खाद्य पकाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? तो खाद्य को अनेक विधि से बनाया जाता है। जो खाद्य है उसे हम अनेक विधि से बना सकते हैं, किंतु आहार को पकाने के माध्यम के दृष्टिकोण से खाद्य पकाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? चिकनाई द्वारा, जल द्वारा, वाष्प द्वारा, कपड़े द्वारा। ये तो आंसर बहुत इजी है, सभी लोग इस आंसर का रिप्लाई करें, कमेंट बॉक्स में इस आंसर को दें। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका। क्या है? चिकनाई द्वारा, वाष्प द्वारा, जल द्वारा, कपड़े द्वारा। क्या करेक्ट आंसर है? सही गलत जैसा भी आ रहा है आप सभी लोग कमेंट में आंसर दें। आपका एक टेस्ट भी होगा कि आप कितना कर पा रहे हो। देखो, खाद को अनेक विधियों से बनाया जा सकता है, किंतु आहार को पकाने के माध्यम के दृष्टिकोण से खाद पकाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? तो कपड़े के द्वारा नहीं है ये विधि। तो डी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है ये। इस विधि में तेल, घी आदि चिकनाई के माध्यम से खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले तेल या घी को आग पर अधिक देर तक गर्म किया जाता है। यह विधि है जल द्वारा खाद्य निर्माण विधि, धीमी आग पर पकाने की विधि, चिकनाई द्वारा खाद्य निर्माण विधि, वाष्प द्वारा पकाने की विधि। तो जल द्वारा खाद्य निर्माण की विधि है, धीमी आग पर पकाने की विधि है, चिकनाई द्वारा खाद्य निर्माण की विधि है, वाष्प द्वारा पकाने की विधि है। तो इस विधि में तेल, घी आदि चिकनाई के माध्यम से खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है, और इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले तेल या घी को आग पर अधिक देर तक गर्म किया जाता है। यह विधि कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर दे। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा चिकनाई के द्वारा खाद्य निर्माण विधि। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। चिकनाई के आधार पर भोजन पकाने की विधि नहीं है। तलने की सूक्ष्म विधि, भट्टी, उथली विधि, गहरी विधि। तो कौन सी विधि नहीं है? चिकनाई के आधार पर भोजन पकाने की कौन सी विधि नहीं है? जल्दी से आंसर दे इसका। बहुत सरल सा है, चिकनाई है। ये कह रहे हैं चिकनाई के आधार पर भोजन पकाने की कौन सी विधि नहीं है इसमें। तो ये तो बहुत इजी है, सभी लोग इसका आंसर दे कोशिश करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा। इसका आंसर है बी, भट्टी। तो चिकनाई के आधार पर भोजन पकाने की विधि नहीं है तो भट्टी, तलने की सूक्ष्म विधि, उथली विधि और गहरी विधि है। फिर क्वेश्चन नंबर 11th है आपका।
डोसा, मछली, आमलेट आदि खाद्य पदार्थ चिकनाई द्वारा खाद्य बनाने की कौन सी विधि द्वारा पकाए जाते हैं? ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होमवर्क, रोज़ मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देती हूँ और ये आज का होमवर्क है। डोसा, मछली, आमलेट आदि खाद्य पदार्थ चिकनाई द्वारा खाद बनाने की कौन सी विधि द्वारा पकाए जाते हैं? ऑप्शन वन है आपका तलने की गहरी विधि, ऑप्शन बी है तलने की उथली विधि, ऑप्शन सी है तलने की सूक्ष्म विधि, ऑप्शन डी है तलने की प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, ये आपका होमवर्क है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे वाली लाइव क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना, आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं जो आप लोग फीडबैक देते हो। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मुझे आपकी क्लास से जुड़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको 10 बजे वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप क्लास अटेंड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे वाली लाइव क्लास में। धन्यवाद।